थाना पुलगांव के अंतर्गत जीवरा सीसा चौकी में ग्राम समुदाय से हेमलता निषाद नाम की महिला ने एक रिपोर्ट चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उस रिपोर्ट पर जब हमने जांच किया तब हमने निशा निषाद और चमेली निषाद को गिरफ्तार किया है। उनके साथ में ये जो चोरी की सामग्री थी वो भी बरामद हुई है। सर किस तरीके से कैसे पकड़ा है? हमारी जो पुलिस की टीम थी पुलगांव पुलिस और जीवरा टीम एक टीम बनाई गई थी और उनके टीम के द्वारा सघन पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया, इनके ऊपर शक तो पहले से ही था और उस शक के आधार पर हम लोगों ने उससे पूछताछ की, सर जिससे चोरी की जी रिपोर्ट की गई थी चोरी की रिपोर्ट की गई। अरे घर के नजदीक है जहां से चोरी की है तो हाँ ये मतलब एक ही घर के हैं ये। हाँ देवरानी जेठानी है ये लोग रिश्ते में। हाँ वही पर है। हाँ एक ही घर। तो सर जैसे घर के ही है, घर का ही सामान चोरी कर रहे हैं, समझ लीजिए क्या कुछ केस में कुछ वो करना नहीं चाह नहीं रहे हैं नहीं किसी क्योंकि भी ये केस लोग करेंगे? रिश्तेदार हैं, देवरानी जेठानी हैं, अलग अलग हैं और उनकी जो जेठानी है उन्होंने रिपोर्ट भी लिखवाया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। सर शक कैसे हुआ सर? घर वालों को शक हुआ था पहले? उनके जब हम लोग पूछताछ कर रहे थे पूछताछ के आधार पर हमको लगा कि घर वाले ही इस प्रकार की चोरी कर सकते हैं, इसलिए पूछताछ में ये चीज़ें निकल के आई हैं। लगभग कितने की हुई होगी ये चोरी? लगभग सामान 1.5 लाख की है, 1.5 लाख की चोरी है ये। इसमें कैश वगैरह भी है सर? नहीं कैश नहीं है, पूरे गहने हैं। सिर्फ गहने हैं। जी तो जांच का विषय है, बाद में पूछताछ में पता चलेगा कि ये किस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। हुई थी चोरी और चोरी 11 तारीख को हुई थी और उनकी गिरफ्तारी उनकी गिरफ्तारी आज ही गिरफ्तारी हुई है। पहले भी कुछ केस है? नहीं इनके खिलाफ पहले कोई केस नहीं रहा है। ठीक है।